दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 में मनोहरे बुक से क्या करेंगे दोस्तों, त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति स्टार्ट आज करेंगे दोस्तों, और त्रिकोणमिति आज बेसिक से स्टार्ट होगा दोस्तों। और इसमें बेसिक के साथ समझाने के बाद इसमें एनसीईआरटी के सवाल आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे जरूर लाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप और अपने दोस्तों में, और जो बच्चे एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कक्षा 10 के पूरे सवाल को हल किया जाएगा, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए बेसिक समझते हैं क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या होता है कि त्रिभुज त्रिभुज के कोणों और भुजाओं से संबंधित माप होता है दोस्तों। मिति मिस होता है माप। तो त्रिभुज के कोणों और भुजाओं से संबंधित माप को हम दोस्तों कहते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इस माप के लिए हम दोस्तों समकोण त्रिभुज लेते हैं। कैसा त्रिभुज दोस्तों? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं दोस्तों। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि यह 90 अंश का होता है, एक कोण, ठीक है। और इनके दोनों न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम हो। तो इनके दोनों न्यून कोणों के साथ, यह आपके न्यून कोण हो जाएंगे, इसके दो न्यून कोणों के साथ इनकी भुजाओं में क्या होता है दोस्तों, इनकी भुजाओं में एक अनुपात होता है, एक अनुपात होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों आपका, वह 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं दोस्तों आपके? 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, पहला होता है साइन, ठीक है, दूसरा कॉस, तीसरा आपका टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा आपका होता है कोसेक, ठीक है दोस्तों। तो नोट साथ में नोट करते रहिएगा दोस्तों। और यह दोस्तों इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए क्या होता है, साइन, मान लीजिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार, आधार बटे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक थीटा,
सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, और उसके बाद आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यह जो आपके छह होते हैं दोस्तों, यह आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब हेडिंग डालिएगा कर्ण, कर्ण लंब और आधार का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। निर्धारण कैसे किया जाता है ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इजी है। यह इसके अंतर्गत त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज लेते हैं दोस्तों, तो 90 अंश के सामने वाला कोण, यह आपका 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाला कोण जो होता है आपका वह कर्ण कहलाता है, ठीक है हमेशा। और मान लीजिए आपने यह यहाँ पे थीटा कोण बनाया है कोई भी 60 30, तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा दोस्तों वह आपका लंब कहलाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि यदि मान लीजिए यह कोण बनाते हैं तो इनके सामने वाला जो आपका हो जाएगा वह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो कर्ण निश्चित होता है लेकिन लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग दोस्तों आप निश्चित होते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है। कैसा प्रमेय होता है दोस्तों? एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, आपका समकोण त्रिभुज है, यह आपका 90 अंश हो जाएगा और इसके सामने का भुजा मान लीजिए 5 है और यह 3 है, यह 3 है दोस्तों, और यह आपका मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा है, यहाँ बना लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए यह त्रिभुज है, यह मान लीजिए 5, यह 3 और यह 4, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा था दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका 5, यह 3, यह 4, तो कर्ण कितना है आपका 5 का स्क्वायर, और आप यह मान लीजिए थीटा यहाँ पे बनाया है तो यह आपका लंब का कार्य करेगा, ठीक है। तो लंब आपका 3 का स्क्वायर और आधार 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 9 कितना होगा, 25 होगा। तो देखिए दोस्तों, 25 और 25 दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। तो यह आपका सिद्ध होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही,
आगे हमारे साथ बने रहिएगा, आगे हम इससे इसके क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।